10.5 kilo. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. It's Sambal Ahmad here. Well guys, ये system हम लोगों ने install किया था 2018 Feb में, ऐसा ही है ना? 2018 February में install किया था और March में ये हमने on कर दिया था. 19 में? Sorry 2019 में install किया था हमने ये. फेब में और मार्च में ये रनिंग पोजीशन में आ गया था. अच्छा, ये तीन इन्वर्टर लगाए थे हमने, 5-5 किलोवाट के मैक्स इन्वर्स के, MKS एक्सपर्ट किंग. अच्छा, इनकी जो ओवरऑल जनरेशन है वो एक नंबर इन्वर्टर ने हमारे अभी तक जनरेशन दी है 10.5 मेगावाट आर, और लोड चलाया आउटपुट दिया इसने 6.0 मेगावाट आर का. और उसके बाद जो सेकेंड इन्वर्टर है हमारा, इसने जनरेशन दी है 7.4 मेगावाट आर की, और लोड चलाया इस पर 6.3 मेगावाट आर. और ये तीसरा इन्वर्टर है हमारा, इसने अभी तक जनरेशन दी है 7.9 मेगावाट आर, और लोड चलाया इसने 6.4 मेगावाट आर का. अच्छा, ये तो हो गई इसकी ओवरऑल जनरेशन. उसके बाद जो अभी तक एयरली जो जनरेशन आई है हमारे पास 4.8 मेगावाट आर आई है, इस मंथ की 0.3 मेगावाट आर, आज 13 या 14 तारीख है मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 15 आज. और आज की जनरेशन है इस इन्वर्टर की 19.4 किलोवाट आर, एक नंबर इन्वर्टर की. और दो नंबर इन्वर्टर की हमारी जनरेशन है आज की, ये टोटल थी 7.4, ये इस ईयर की है 3.4 मेगावाट आर, ये मंथ की है 0.2 मेगावाट आर, और ये डे की है 19.1 मेगावाट आर. वेल गाइज, इसे ये तीन नंबर इन्वर्टर है, इसकी अभी तक की जनरेशन 7.9 मेगावाट आर है, इस ईयर की 3.8 मेगावाट आर, इस मंथ की 0.2 मेगावाट आर, और आज की डे की आज की 7.2 किलोवाट आर. वेल गाइज, स्टे ट्यून्ड, आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसने अभी तक जनरेशन कितनी कर चुका है, कितनी करनी चाहिए थी. एवरेज जनरेशन हुई है, ब्लू एवरेज हुई है, अबव एवरेज की है, ये आपको कैलकुलेट करके बता दें. स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम.